हेलो दोस्तों, लैपटॉप मास्टर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त निशांत आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो और एक नए लैपटॉप के साथ। जी हाँ, आज हम लेके आए हैं HP Pavilion Plus EW1082TU। जी हाँ, अल्ट्रा सीरीज के अंदर HP ने Pavilion Plus पे अपना लैपटॉप निकाला है। लाइट वेट है, काफी डिमांड आ रही थी इस वीडियो की, इसलिए आज हम आप लोगों के लिए ये लैपटॉप की वीडियो लेके आए। आज हम इसको अनबॉक्स करेंगे, कहीं मत जाइएगा, इसका बैक पैनल भी आपको ओपन करके दिखाएंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये लैपटॉप हमें मिला है दिल्ली के अंदर HP ओमेन प्लेग्राउंड, जो करोल बाग के अंदर है, जो एक गेमिंग स्टोर भी है, एक HP वर्ल्ड भी है, एक हाइब्रिड स्टोर है, दिल्ली का एक मात्र स्टोर है जो हाइब्रिड है। यहाँ पे आपको गेमिंग लैपटॉप के अलावा सारे लैपटॉप मिल जाएंगे और काफी अच्छी ऑफर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो दोस्तों ये लैपटॉप हमें वहीं से मिला है, कभी भी आपको लैपटॉप चाहिए तो एक बार आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कह दूं, अगर आपने अभी तक हमारा लैपटॉप मास्टर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाले नए नए लैपटॉप्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, करते हैं लैपटॉप को अनबॉक्स। तो दोस्तों लैपटॉप हमने अनबॉक्स कर लिया है, कि जैसे कि हमें हर बार मिलता है, मैनुअल है, पावर कोड, 65 वॉट का पावर एडप्टर है टाइप सी का ही होता है कि काफी जल्दी चार्ज करता है लैपटॉप को, 30 मिनट्स के अंदर मोर देन 50% चार्ज कर देगा। और ये है हमारा लैपटॉप। जी हाँ, काफी लाइट वेट लैपटॉप है। अगर मैं वेट की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 1.5 kg का ये लैपटॉप है। कलर की बात करें, मूनलाइट ब्लू कलर है, काफी डिफरेंट कलर है। देखिए, बहुत ज्यादा बोर हो चुके हैं ब्लैक और सिल्वर से ही, मूनलाइट ब्लू कलर दिया है HP ने इसमें। मेटल बॉडी के अंदर ये लैपटॉप है। अगर हम बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो काफी बेटर बिल्ड क्वालिटी है। अगर हम डिजाइन की बात करें तो नॉर्मली आपको ये Pavilion लैपटॉप की तरह ही दिखाई देगा, लेकिन फीचर्स इसमें काफी जो है वो अलग है। ये आपका एग्जॉस्ट हो गया, आपका वेंटिलेशन, रबड़ ग्रिप, यहाँ आपके स्पीकर्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्लीक देखेंगे, काफी स्लीक लैपटॉप है। देखिए, मतलब आप ये मत सोचिएगा कि अलग NV सीरीज है या बहुत NV सीरीज है और ये Pavilion के बीच की सीरीज है। Pavilion से बेटर है और NV से थोड़ा सा लोअर हम इसको कह सकते हैं। ये है Pavilion प्लस। तो चलिए दोस्तों लैपटॉप के पोर्ट्स देखते हैं, फिर लैपटॉप को बूट अप करेंगे, लैपटॉप कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, कहीं मत जाइएगा, उसके बाद लैपटॉप का बैक पैनल भी आपको ओपन करके दिखाएंगे। लैपटॉप के राइट साइड में अगर हम देखते हैं तो हमें दो पोर्ट दिखाई देंगे। जो सबसे पहला पोर्ट है वो है 3.5 mm का ऑडियो जैक आपके हेडफोन माइक कनेक्ट करने के लिए, और दूसरा आपको जो मिलता है वो है USB टाइप ए 10 Gbps सिग्नलिंग रेट के साथ। अगर हम लैपटॉप के लेफ्ट साइड में देखते हैं तो हमें चार पोर्ट देखने को मिलेंगे। जो सबसे पहला पोर्ट है वो है USB टाइप ए 5 Gbps सिग्नलिंग रेट के साथ। सेकंड आपको मिलता है HDMI आउट 2.1 आपके प्रोजेक्टर और LED TV कनेक्ट करने के लिए। फिर आपको मिलता है थंडरबोल्ट टाइप सी 40 Gbps सिग्नलिंग रेट के साथ, आपको टाइप सी मिलता है, थंडरबोल्ट पोर्ट है वो। और उसके बाद आपको मिलेगा एक टाइप सी, जिसे हम कह सकते हैं 10 Gbps सिग्नलिंग रेट के साथ आता है, और चार्जर इन्हीं दोनों में से आप किसी भी एक पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, क्या मिलता है हमें Pavilion प्लस में। बात करेंगे प्रोसेसर की तो इसमें इंटेल कोर अल्ट्रा 5 125H आपको प्रोसेसर मिलता है। देखिए, याद रखिएगा, दो प्रोसेसर आते हैं, एक 125U, एक 125H। H हैवी परफॉर्मेंस के लिए होता है। H में हमने देखा है मोस्टली दो फैन हमें मिलते हैं। हम जब लैपटॉप का बैक पैनल ओपन करेंगे तो देखेंगे इसमें भी डबल फैन है या नहीं है। 90% में हमें डबल फैन मिलते हैं। बेस स्पीड 3.6 गीगाहर्ट्ज़ है, मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी है वो 4.5 गीगाहर्ट्ज़ है। कोर्स की बात करेंगे तो 14 कोर्स है। ये डिवाइडेड है हमारे तीन कोर्स में, एक परफॉर्मेंस कोर, एक एफिशिएंट कोर, एक लो पावर एफिशिएंट कोर। परफॉर्मेंस कोर की अगर बात करेंगे तो सिर्फ 4 है हमारे, याद रखिएगा, अल्ट्रा 5 में हमारे पास 4 परफॉर्मेंस कोर है जो 4.5 मैक्सिमम टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी में जाएंगे। 8 हमारे यानी 8 कोर्स है हमारे एफिशिएंट कोर है, जिनकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 3.6 है, और जो लो पावर एफिशिएंट है वो है हमारे 2 कोर है, जिनकी मैक्सिमम है 2.5 गीगाहर्ट्ज़ तक जाती है। हमेशा इन पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने ये देखा है कि हम बाकी AMD के प्रोसेसर देखते हैं, वो अल्ट्रा राइजन 5 होते हैं तो 6 कोर होते हैं या 4 या 8, वो सारे परफॉर्मेंस कोर होते हैं। कभी भी AMD पावर परफॉर्मेंस कोर एफिशिएंट को नहीं देता है जैसे इंटेल देता है। लॉजिकल प्रोसेसर की बात करेंगे तो 8 है, और L3 कैशे की बात करेंगे तो 18 MB है। देखिए, आपको पता ही है अल्ट्रा 5 किस लिए है, AI के लिए है, जो इंटेल अब लॉन्च कर रहा है। बेसिकली जितने भी अल्ट्रा सीरीज है वो AI को कंपेटेबल के लिए, AI की जो परफॉर्मेंस है वो एनहेंस करने के लिए। मेमोरी की बात करेंगे 16 GB रैम है, LPDDR5X इसमें आपको मिलती है,
7467 मेगाहर्ट्ज की। जी हाँ, अब ये देखते हैं कि लैपटॉप में ये रैम अपग्रेड हो सकती है या नहीं हो सकती, काफी लोगों को पता चलेगा होगा, बाकी जिन्हें नहीं पता चला जब लैपटॉप का बैक पैनल ओपन करेंगे तब आपको हम दिखाएंगे। देखिए 7467 मेगा स्पीड काफी ज्यादा होती है। नॉर्मली जब हम DDR4 में देखते तो 32 होती थी या 4800 या 5000 या 5600। ये आपका LPDDR5 है 7467 मेगाहर्ट्ज में। डिस्क की बात करेंगे, सैमसंग की SSD आपको इसमें मिलती है 512 GB की, 512 GB जिसकी कैपेसिटी 477 GB है, और SSD जो है वो Gen 4 की है। जी हाँ, Gen 4 SSD आपको इसमें मिलती है। बात करते हैं ग्राफिक्स की। देखिए इंटेल, आपको पता ही है इंटेल में अपने पहले USD आता था, फिर इंटेल आयरिस आया, आजकल आ रहा है इंटेल आर्क ग्राफिक्स। जी हाँ, इंटेल आर्क ग्राफिक्स है। देखिए आप एक बार को इसको कंपेयर कर सकते हैं 4GB NVIDIA 1650 के कंपेयर में, लेकिन आपको परफॉर्मेंस वो नहीं मिलेगी क्योंकि इसमें डेडिकेटेड मेमोरी नहीं है, आपकी रैम से ये शेयर करता है। तो इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि अगर मेरे को डेडिकेटेड ग्राफिक्स वाला लैपटॉप आपको गेमिंग के लिए या वेब डिजाइनिंग के लिए चाहिए, 3D Max के लिए चाहिए, तो मैं ये ले लूं, उसके लिए ये लैपटॉप नहीं है। शेयर्ड GPU है 7.7 GB और अपनी कोई भी मेमोरी नहीं होती इंटेल के अंदर, तो टोटल आपका यही आपको मिलता है। बात करेंगे NPU की, न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए ये जितने भी AI लैपटॉप्स आ रहे हैं आज की डेट में, जितने भी अल्ट्रा AI, ये इसमें एक अलग सेगमेंट आपको देखने को मिलता है। इसमें आपके जितने भी AI बेस्ड प्रोग्राम्स हैं, ChatGPT आप कहते हैं, Copilot कहते हैं, उन सबकी परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए आपको ये NPU मिलता है जिसको हम कहते हैं AI बूस्ट। तो ये आपकी इसकी लैपटॉप की कॉन्फिगेशन है। लैपटॉप की कॉन्फिगेशन पढ़ते हुए जो वॉइस आप सुन रहे थे वो लैपटॉप के माइक से ही रिकॉर्ड करी गई थी, जिससे आपको इसकी माइक की भी परफॉर्मेंस पता चल जाए। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि पवेलियन प्लस है और HP इसमें काफी चीजें लेके आया है, जैसे इसमें पोली स्टूडियो है, तो हम इसके अंदर आज नॉइस कैंसिलेशन करेंगे कि पोली स्टूडियो कितना नॉइस कैंसिलेशन करता है। जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं और हम इसमें रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, साथ में आप सुन रहे होंगे म्यूजिक भी चल रहा है, तो हम ये देखते हैं कि हमारी वॉइस को कितना रिकॉर्ड कर रहा है और बैकग्राउंड म्यूजिक कितना चल रहा है। तो हमने रिकॉर्ड कर लिया है, अब हम देखते हैं कि क्या इसने रिकॉर्ड किया है बैकग्राउंड म्यूजिक के अंदर। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि पवेलियन प्लस है और HP इसमें काफी चीजें लेके आया है, जैसे इसमें 4D स्टूडियो है, तो हम इसके अंदर आज नॉइस कैंसिलेशन करेंगे कि पॉली स्टूडियो कितना नॉइस कैंसिलेशन करता है। जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं और हम इसमें रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, चार पे आप सुन रहे होंगे म्यूजिक भी चल रहा है। तो दोस्तों आपने देखा कि म्यूजिक जो बैकग्राउंड म्यूजिक था वो रिकॉर्ड ही नहीं किया, मतलब लिटरली अगर मैं ये बताऊं कि मैंने अपने जितने भी मैंने अभी तक चेक करे हैं उसमें इससे बेटर नॉइस कैंसिलेशन मैंने कहीं नहीं देखा। इसमें आपको 14 इंचेस की WQXGA, जी हाँ, जिसका रेजोल्यूशन 2560x1600 है। हर्ट्ज की बात करेंगे 48-128 वेरिएबल हर्ट्ज आपका इसमें आपको मिलता है। IPS डिस्प्ले है, माइक्रो एज है, एंटी ग्लेयर है, लो ब्लू लाइट, 300 निट्स और हाँ 100% sRGB के साथ आपको इसका डिस्प्ले मिलता है। अगर हम इसके कैमरे की बात करेंगे, कैमरा इसमें आपको मिलता है HP वाइड विजन 5 मेगापिक्सल IR कैमरा टेंपल नॉइस रिडक्शन के साथ, और उसमें आपको मिलेंगे इंटीग्रेटेड डुअल एरे डिजिटल माइक्रोफोन। अगर हम बात करेंगे कीबोर्ड की, तो इसमें आपको फुल साइज बैकलिट कीबोर्ड मिलता है मूनलाइट ब्लू ओपेक कलर का। अगर हम देखेंगे कलर बहुत ही प्यारा दिया है इसमें। HP इमेज पैड, अगर पॉइंटिंग डिवाइस की बात करेंगे तो HP इमेज पैड आपको इसमें मिलता है। तो चलिए दोस्तों, समय आ गया लैपटॉप का बैक पैनल ओपन करके आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों लैपटॉप का बैक पैनल हमने ओपन कर लिया है, तो आइए देखते हैं लैपटॉप में आपको क्या क्या मिलता है। देखिए जैसे हमने आपको बताया अल्ट्रा 5H प्रोसेसर है, तो आपको इसमें डुअल फैन दिखाई देंगे। देखिए मैं आपकी पहले भी कई वीडियोस के अंदर जो एच प्रोसेसर की होती है उसमें आपको बता चुका हूं कि एच होता है हैवी प्रोसेसर, जो हमारे गेमिंग लैपटॉप्स में आता है। लेकिन आप ये कहेंगे कि गेमिंग लैपटॉप में डुअल फैन होता है ग्राफिक्स में एक प्रोसेसर के लिए, देखिए वहां पे प्रोसेसर एच होता है लेकिन एक प्रोसेसर के लिए एक फैन होता है, क्योंकि ऑलरेडी ग्राफिक्स के लिए भी हमें मिल जाता है और वो फैन जो होता है वो भी काफी हैवी होता है। इसमें आपको दो फैन मिल रहे हैं जो हीट सिंक के थ्रू कनेक्टेड है आपके प्रोसेसर के साथ। यहाँ पे आपको साथ में दिखाई दे रहा है वाईफाई 6 है जो आपको इसमें मिलता है। रैम जैसे कि मैंने आपको बताया था 16GB की रैम है LPDDR5। इसमें सोल्डर रैम है, आप इसको अपग्रेड नहीं कर सकते। यहां आपको मिलती है SSD, आप SSD को भी अपग्रेड
नहीं कर सकते, दैट मींस कि एक्स्ट्रा स्लॉट में नहीं लगा सकते, जो करंट एसएसडी है इसी को रिमूव करके आप अपग्रेड जरूर कर सकते हैं, लेकिन कोई एक्स्ट्रा स्लॉट आपको इसमें नहीं मिलता है अपग्रेड करने के लिए। ये आपकी बैटरी यहाँ पे लगी हुई है, बैटरी आपकी 4 सेल की बैटरी है 68 वर्क आवर्स के साथ। अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो करीब करीब इसमें 8 से 10 घंटे का बैकअप आपको मिल जाएगा। 2 स्पीकर आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं जो एचपी ने अपने इस पवेलियन प्लस लैपटॉप के अंदर आपको दिए हैं। अगर हम बात करें इन शॉर्ट, तो सिर्फ और सिर्फ आप एसएसडी ही अपग्रेड कर सकते हैं, वो भी करंट एसएसडी को निकाल के उसी को लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने अनबॉक्स किया ईडब्ल्यू पवेलियन प्लस 1082 TU। कॉन्फ़िगरेशन हमने देख ली, अल्ट्रा 5 है, 16 GB रैम, 512 GB एसएसडी। देखिए इसमें डिफरेंट क्या है, एक तो पॉली स्टूडियो का जो साउंड में पॉली स्टूडियो उन्होंने दिया है, इसमें 5 MP का IR कैमरा आपको इसके अंदर दिया है, और आपको स्क्रीन भी है 60-120Hz स्क्रीन मिलती है 100% sRGB के साथ, जो सारी डिटेल हम देख चुके हैं। देखिए अगर मैं स्पेसिफिक इसकी बात करूं कि इसमें अलग क्या है, सबसे पहला अल्ट्रा 5 प्रोसेसर है AI टेक्नोलॉजी के साथ जो इसको अलग बनाता है। अल्ट्रा 5 में भी H प्रोसेसर है, नॉर्मली हम देखते हैं U प्रोसेसर, हमने पहले भी वीडियो बनाई थी वो U की थी। दूसरा फुल मेटल बॉडी है, अगर हम बैक पैनल देखें कहीं से भी देखेंगे तो मेटल बॉडी है पूरी की पूरी। नॉर्मली मेटल बॉडी ऊपर से होता है, नीचे का पार्ट फाइबर में होता है, फुल मेटल बॉडी में है। इंटेल ईवो सर्टिफाइड प्रोसेसर है। स्क्रीन की बात करी तो 16:10 का रेशो है। कलर देखिए, बहुत बोर हो चुका हूं मैं भी सिल्वर और ब्लैक कलर देखते देखते, थोड़ा डिफरेंट कलर है। तो अगर मैं ये कहूं कि आप इस रेंज के अंदर, मैं आपको रेंज भी बता दूं, एचपी ने इसे 86,000 की रेंज में लॉन्च किया है। अप्रोक्सीमेटली आपको मार्केट में 80-86,000 के आसपास ये लैपटॉप आपको मिल जाएगा। वेरिएशन है कि आप कहाँ पे है, डिपेंड करता है कि आप कहाँ से ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो मुझे अपने लेवल पे ये लैपटॉप बहुत बेटर लगा। प्राइस आप जरूर कह सकते हैं कि अल्ट्रा 5 है और 80, क्योंकि नॉर्मली अल्ट्रा 5 i5 के में कंपेयर करते हैं हम लोग, तो प्राइस जरूर मैं कह सकता हूं कि और अगर ये लैपटॉप 5 से 10 हज़ार रुपये सस्ता मिले, क्योंकि देखिए हमारी तो डिमांड है ही है कि हम तो कहीं चाहेंगे कि एचपी इसको थोड़ा सस्ता कर दे, कि एक नॉर्मल हर किसी की बजट रेंज में ये आ जाए, जिसका 60,000 का बजट है वो थोड़ा सा बजट बढ़ा के इसको ले ले। अदरवाइज इस लैपटॉप में 80,000 या 85,000 के बीच में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बेस्ट लैपटॉप एचपी ने लॉन्च किया है। अगर मैं ये कहूँ इसकी वारंटी, तो एचपी ने इसके साथ 1 ईयर वारंटी दी है, आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं, आप 3 साल नॉर्मल भी वारंटी अपग्रेड कर सकते हैं और एक्सटेंडेड भी। हमेशा की तरह मैं आज भी यही कहूंगा कि आपने अगर जब भी वारंटी एक्सटेंड करनी हो तो सिर्फ और सिर्फ उसी कंपनी की कीजिएगा जिस कंपनी का आप लैपटॉप ले रहे हैं, कभी भी थर्ड पार्टी बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आप कहीं से भी करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होती है, वारंटी आपको नहीं मिलती। आप 3 साल इसके साथ वारंटी अपग्रेड कर सकते हैं, जिसमें एक्सीडेंटल डैमेज और नॉर्मल भी है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और हाँ आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जैसे भी हम नए लैपटॉप की वीडियोस अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन उसका सबसे पहले मिल जाएगा। और अगर आपने एचपी लैपटॉप लेना है तो हमने काफी स्टोर, 3-4 स्टोर हैं जिनकी डिटेल नीचे फोन नंबर के साथ दे रखी है, आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट करके ले सकते हैं, या जहां से हमने ये लैपटॉप लिया है दिल्ली के अंदर करोल बाग में ओमेन प्लेग्राउंड है, हाइब्रिड स्टोर, दिल्ली एनसीआर का इकलौता हाइब्रिड स्टोर, आप यहाँ पे भी जाके ले सकते हैं, काफी अच्छी ऑफर्स आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहने का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए लैपटॉप के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।